इसका नाम गणिशा। कैसे ही आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ अच्छा अच्छा ही कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में। तो फ्रेंड्स, आज 8 मार्च है, तो आज महादेव का दिन है, मेरे इष्ट देवता का दिन है। तो आज माँ पार्वती का और महादेव का विवाह हुआ था, तो आप लोगों को महाशिवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं। तो महाशिवरात्रि के साथ ही साथ आज एक और स्पेशल डे है। गाइज, आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज टू ऑल द ब्यूटिफुल वुमेंस। यू आर अ फिनोमिनल मदर एंड इनक्रेडिबल वाइफ, अ रेसिलिएंट इंडिविजुअल एंड रिमार्केबल डॉटर। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटिफुल प्रीटीएस्ट वुमेंस वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द ब्यूटिफुल लेडीज। तो गाइस, मैं एक बहुत अच्छे स्लोगन में विश्वास करती हूँ, तो वो स्लोगन मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर द वर्ल्ड, इक्वलिटीज नोस नो जेंडर, स्ट्रांग वुमेन स्ट्रांग वर्ल्ड। तो प्लीज़, जितनी भी लेडीज़ हैं, यदि आपके कुछ भी ड्रीम्स हैं तो प्लीज़ उन्हें फुलफिल कीजिए, क्योंकि लाइफ इट्स टू शॉर्ट। तो एन्जॉय योर सेल्फ एंड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी ब्यूटिफुल वुमेन। मुस्कुराकर दर्द भुलाकर रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक महिला। आप सभी को महिला दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज शिवरात्रि है, तो अब हम लोग आज पूजा करेंगे। तो आज मैं जो हमारे मोहल्ले में जो मंदिर है, मैं वहाँ भी जाऊँगी, हमारे मंदिर में भी पूजा करूँगी, घर पे भी पूजा करूँगी। तो आज पूरा पूजा मैं दिन होने वाला है। तो आज हम सभी का फास्ट है एक्सेप्ट होकम, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनको ट्रीटमेंट लेना है, तो उसके लिए उनको खाना खाना ही पड़ेगा। उनका फास्ट नहीं है, तो मुझे खाना भी बनाना है और फरियाली भी कुछ बनाना है। तो बने रहिए ब्लॉग में और देखिएगा कि मैं ये आज की पूजा कैसे करती हूँ। और प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, इसका कुछ भी पार्ट आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैंने गार्डन है हमारे घर का, उसमें आपको हजारी, गुलाब, आंकड़ा, बिलपत्र, शमीपत्र और जितनी भी माता जी को फूल चढ़ते हैं, रेड कलर के फूल और कनेर, ये सारे फूल जो हैं वो मैंने लगा के रखे हुए हैं। तो जब भी मैं महादेव की सेवा करती हूँ तो फ्रेश फ्लावर लेके जाती हूँ, तो घर पे ही मैं फ्लावर से ही माला बना लेती हूँ, मुझे कहीं भी बाहर ऐसा कुछ परचेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने सब चीज़ अपने घर के गार्डन में ही लगा के रखे हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में और प्लीज़ पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। शहद, इसमें लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, ये पीला चंदन और ये भांग और ये अबिल गुलाल बोलते हैं ना जो, वो ये कलकू माता जी के लिए, ये मेहंदी, ठीक है, और ये कपूर,
ये धूप बत्ती, ये अगरबत्ती, ये चावल, ये काले तिल, ये कमल गट्टे, ये जनेब, अभी बेलपत्र और ये सब चीज बाकी है। बिल्पत्र इस मौसम में थोड़ी कम ही आती है बना। धतूरा और बदनाल ये तो मम्मियों ने नीचे लगी हुई है, तो वो तो चाहिए अपने फ्रेंड्स, लोगों मैंने को। यहाँ पूजा की थाली लगा ली थी, तो जितना भी पूजा का सामान है मैंने सब रख लिया था। तो अब हम लोग सब पूजा करने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पूरी पूजा की थाली जमा ली थी। बहुत सारे फ्लावर्स रखे थे पूजा करने के लिए। फाइनली हम पूजा करने चले गए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हुकुम और हम दोनों ने अभिषेक किया था मंदिर में जाकर। तो हमने अभिषेक किया, वहाँ भगवान का श्रृंगार किया पूरा अच्छे से फूलों के साथ। उसके बाद आरती करके पूरा भक्तिमय माहौल था उस टाइम पे। ऐसा लग रहा था कि बस मानो भगवान की ही सेवा करते रहें। तो फ्रेंड्स, फिर मैं बना के साथ मोहल्ले में जो मंदिर है वहाँ गई। तो वहाँ पर बना ने भी पूजा की और मैंने भी पूजा की। तो हम दोनों यहाँ पर बना उनके अकॉर्डिंग फूल चढ़ा रहे थे, मैं अपने हिसाब से भगवान को फूल अभिषेक करवा रही थी। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी पूजा करने में। तो मुझे उसके बाद जस्ट खाना बनाना था और हमें कहीं जाना भी था, तो उसी में मैं लगी रही। तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।